दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग के इस साल के सीजन के कोरोना वायरस के चलते बीच में स्थगित होने से क्रिकेट प्रेमियों को काफी निराशा हाथ लगी थी, लेकिन अब उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। दरअसल दोस्तों जल्द ही T20 क्रिकेट का एक और घमासान शुरू होने जा रहा है, जिसमें फैंस को आंद्रे रसेल, क्रिस गेल, कायरन पोलार्ड और निकोलस पूरन जैसे धुरंधरों के बल्ले का धमाल देखने को मिलेगा, तो दुनिया भर के दिग्गज गेंदबाज भी अपना कहर बर पाएंगे। दोस्तों कैरिबियन प्रीमियर लीग यानी CPL के 9वें सीजन के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के एक कदम उठाते ही अब करीब एक महीने तक T20 क्रिकेट का लुत्फ उठाने वाले दर्शकों का इंतजार खत्म हो गया है। दोस्तों वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक CPL लीग का 9वां सीजन 28 अगस्त से शुरू होगा, जो करीब एक महीने तक चलने वाली लीग का खिताबी मुकाबला 19 सितंबर को खेला जाएगा। दोस्तों कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते सिर्फ 2 ही स्थानों पर लीग के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों इसके लिए सेंट किट्स और नेविस के नामों को अंतिम रूप दिया गया है। वहीं दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि निकोलस पूरन और सिमरन हिटमायर जैसे धुरंधर का नाम CPL के जरिए ही सामने आया है, जिन्होंने वेस्ट इंडीज के राष्ट्रीय टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन कर अपनी छाप छोड़ी है। जहां तक दोस्तों CPL लीग की बढ़ती लोकप्रियता की बात करें तो इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2020 में लीग की कंबाइंड व्यूअरशिप 523 मिलियन थी, जो साल 2019 के मुकाबले 67% ज्यादा थी। दोस्तों CPL में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। दोस्तों गत चैंपियन TKR ने लीग शुरू होने से पहले परवीन तांबे, टीम साइफर्ड, फवाद अहमद और आमिर जंगू को रिलीज कर दिया है। टीम ने दिनेश रामदीन को अपने साथ जोड़ा है। वहीं दोस्तों सेंट लूसिया जुक्स ने 7 खिलाड़ियों को बरकरार रखने का फैसला किया है। टीम पिछले साल अंक तालिका में तीसरे स्थान पर थी। दोस्तों वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान डेरेन सेमी इस साल CPL में हिस्सा नहीं लेंगे। जुक्स के कप्तान सेमी ने इस साल बतौर खिलाड़ी लीग में हिस्सा लेने की बजाय टीम के साथ जुड़े रहकर युवा क्रिकेटरों की तराशने का फैसला किया है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही क्रिकेट न्यूज एंड अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।